कार की तरह है भाई, टोटल ट्रैक्टर मतलब खुला खुला फील हो रहा है इसे। पिछला हिस्सा है हेलिकल बुल पिनियन डायरेक्शन के साथ में दिया गया भाई, काफ़ी हैवी ड्यूटी माना जाता है और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यही हिस्सा है वो चलता है दोस्तों। विकसित किसानों की पहली पसंद, तो किसान भाई वो आज आपके लिए लेकर आए हैं भाई सोलिस कंपनी का 4515 ट्रैक्टर, जो कि 48 HP के अंदर आता है और काफ़ी शानदार माना जाता है भाई। किफ़ायती इंजन के साथ में E3 सीरीज़ का इसके अंदर इंजन है वो दिया गया है, और इस कंपनी के ना 22 से लेकर 70 HP तक के इंजन आते हैं और तेज़ी से बढ़ता नेटवर्क है इंडिया के अंदर इसका, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो करना, वीडियो को ना दब के शेयर कर देना आज अपने इस ट्रैक्टर का है जो रिव्यू करेंगे। तो देखिए फ्रंट साइड में देखिए इसका ना ऐसे घूरता हुआ चेहरा प्रतीत होता है जिसे, और इसमें आपको है ना प्रोजेक्टर लैंप मिलेंगे, साथ में LED डायल्स है वो दिए गए हैं और बारीक जाली दी गई है, 6D एयर कूलिंग सिस्टम है जो इसमें आपको है जो देखने को मिल जाएगा किसान भाई। ये देखिए बारीक जाली के साथ में, ठीक है, और इससे क्या है कि कचरा वगैरह है जो आपके इस इंजन तक ना जाए, रेडिएटर तक ना जाए, इसके लिए दिया गया है। और भाई सिंगल पीस बोनट है जो आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाएगा, हेवी ड्यूटी आगे चूल्हा है वो दिया गया इसमें, और फ्रंट एक्सल है ना वो काफ़ी हेवी ड्यूटी दिया गया है। ये देखिए स्ट्रेट एक्सल के साथ में है, सिंगल पीस बोनट है जो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, बड़ी आसानी से है जो ओपन हो जाएगा बोनट है जो इसका। ये देखिए इसमें ना डबल बैरल लगी हुई है भाई, ये देखिए बड़ी आसानी से ओपन हो जाएगा ये, और इसमें 48 HP का इंजन दिया गया है, 3 सिलेंडर इंजन है जो इसमें देखने को मिलेगा, 1900 rated RPM के साथ में 205 Nm का इसका टॉर्क है जो दे रखा है भाई। ये देखिए 3 सिलेंडर का इंजन मिलेगा, ड्राई टाइप का इसमें आपको है जो एयर फिल्टर है वो दे रखा है किसान भाई, ये देखिए, ठीक है। और ये कूलेंट बॉक्स दिया गया है यहाँ पे, और साथ में ना अलग से इसका क्या है कि पावर स्टीयरिंग के लिए ना बॉक्स अलग से टैंक है वो देखने को मिल जाएगा, सिंगल एक्टिव पावर स्टीयरिंग दिया गया है, सिंगल ड्रॉप आर्म के साथ में जो कि काफ़ी स्मूथ माना जाता है भाई, ठीक है। और सिंगल पीस बोनट दिया गया ये देखिए एरोडायनेमिक शेप के अंदर, तो क्या है कि आपके ट्रैक्टर को बड़ा इंजन को कूल रखेगा ये, क्योंकि चारों साइड से ना हवा है वो क्रॉस हो रही है, गर्म हवा यहाँ से है जो निकल जाएगी इसके लिए। फ्रंट के अगर टायर की बात करें, 7/16 के फ्रंट के टायर है जो इस ट्रैक्टर में देखने को मिलते हैं किसान भाइयों। बोस कंपनी का इनलाइन पंप दिया गया है इसमें, और भाई वाटर सेपरेटर भी इसके अंदर है जो लगा हुआ है, अगर गलती से फ्यूल टैंक में पानी चला गया तो वो इसके अंदर है जो अलग से सेपरेट है वो हो जाएगा। और बड़ा टूल बॉक्स है जो आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलता है, वो भी लोहे का प्लास्टिक का नहीं है भाई, ठीक है। ई सीरीज़ का इसके अंदर है जो इंजन दिया गया किसान भाइयों, और इसमें आपको ना 55 लीटर का फ्यूल टैंक है वो देखने को मिल जाएगा, अभी क्रोम फिनिश के साथ में दिया गया है, ये अभी पूरा लॉक सिस्टम है जो लगा हुआ है इसमें। और ये देखिए आसानी से चढ़ने के लिए सिंगल फुट स्टेप दिया गया है, और साथ में हैंडल दिया गया है, ठीक है। और ये देखिए ठीक हैंडल के पास में देखिए 5 साल की वारंटी है जो किसान भाई इसमें आपको जो देखने को मिलती है पॉलिसी के तहत, ठीक है। और ये देखिए भी ये कुछ इस प्रकार का ड्राइवर व्यू आ रहा है, और इजी स्टेयरिंग व्हील दिया गया, कार की तरह स्मूथ स्टेयरिंग व्हील है जो आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाएगा। ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इस ट्रैक्टर में दे रखा है किसान भाइयों, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल जितने भी है ना जो भी इंजन के अंदर या ट्रैक्टर के अंदर कोई खराबी आएगी तो वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगी, ठीक है। उसके लिए अलग अलग से इंडिकेटर है वो आपको इसमें दे रखी है, यहाँ पे भी सोलिस की बेजिंग की गई है, काफ़ी शानदार लग रही है यार। और इसमें आपको ना 10 फॉरवर्ड के और 5 रिवर्स के गियर स्पीड है वो देखने को मिल जाएंगे, ये देखिए भाई यहाँ पे देखिए इसमें आपको कॉन्स्टेंट मिस गियर बॉक्स है वो दे रखा है, खुला प्लेटफॉर्म मिलेगा, ऑयल इमर्स्ड ब्रेक है वो इसमें दे रखे हैं, कार की तरह है भाई टोटल ट्रैक्टर मतलब खुला खुला फील हो रहा है इसे। इजी एक्सीलेटर दे रखा है कार की तरह बिल्कुल, ये देखिए, और ये मिरर दे रखा है साइड में देखने के लिए। बाकी 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है जो आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगी, ड्राफ्ट एंड पोजीशन कंट्रोल की लीवर है ना बिल्कुल ड्राइवर सीट के पास में दे रखी है भाई, और काफ़ी आरामदायक ड्राइवर सीट है जो इस ट्रैक्टर की दे रखी है। और इधर वाली साइड में बात करें तो इसमें देखिए रिवर्स PTO और डायरेक्ट PTO दोनों ऑप्शन है जो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे किसान भाइयों। बाकी ये लीवर है जो इसमें लो हाई और रिवर्स लीवर है वो दे रखा है, ठीक है। बाकी भी देखिए ड्राइवर सीट काफ़ी आरामदायक है, इसकी एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से भी इसको है ना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये लॉक दिया गया है यहाँ पे, सेफ्टी लॉक दिया गया है, तो क्या है कि अगर आपके साथ में कोई बच्चा बैठा हुआ है और आप भारी हेवी इंप्लीमेंट लेकर जा रहे हैं तो उस लॉक को लगा दीजिए, उसके बाद में लीवर है वो काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। और साथ में देखिए इंडिकेटर है ना वो भी DRLs के साथ में दिए गए हैं, LED इंडिकेटर है जो आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेंगे, और कर भी डिज़ाइन के साथ में इसके फेंडर दिए गए हैं, सेफ्टी ग्रिल है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और पीछे के टायर की बात करें 14/28 के पीछे के टायर है वो दे रखे हैं, हेवी ड्यूटी रिम के साथ में दिए गए हैं भाई। पिछला हिस्सा है हेलिकल बुल पिनियन डायरेक्शन के साथ में दिया गया भाई, काफ़ी हैवी ड्यूटी माना जाता है और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यही हिस्सा है वो चलता है दोस्तों।
ठीक है। और हुक वगैरह है वो एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से भी इसको है जो एडजस्ट कर सकते हैं। 4 पॉइंट हेवीड्यूटी लिफ्ट लिंकेज है वो इसमें आपको प्रदान करती है कंपनी। 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में डबल डिस्ट्रीब्यूटर है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये देखिए टिपिंग बॉल बोलते हैं जिसे, पल्टीपोल पलो और लेजर लैंड लेवलर इनमें काम आता है, ठीक है। ऑक्सिलरी लीवर दिया गया है इनके लिए स्पेशल अलग से, और बड़ी लैंप है वो पीछे की साइड में है जो देखने को मिल जाएगी। क्रोम फिनिश के साथ में दी गई है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रैक्टर को अट्रैक्टिव बनाती है, किसानों के लिए थोड़ा लग्जरी फील करवाती है, ठीक है। हैवी ड्यूटी लिफ्ट की लिंकेज है वो आपको इसमें दी गई है किसान भाइयों, ठीक है। और साथ में बीच में है ना सेफ्टी ग्रिल है वो भी दी गई है, फेंडर सेफ्टी ग्रिल बोलते हैं, वो भी है जो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। बाकी भाई काफ़ी शानदार है ट्रैक्टर, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना किसान भाइयों, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, पेज को कर लेना फॉलो। काफ़ी हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में है, यानी कि आप उबड़ खाबड़ जगह पे आसानी से इस ट्रैक्टर को है जो चला सकते हैं। डबल पंप है जो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, एक पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है, एक लिफ्ट के लिए दिया गया है, और इनकी भी सेफ्टी है जो कंपनी ने अलग से कर रखी है। बड़े फिल्टर है जो आपको इसमें ऑयल के है वो देखने को मिल जाएंगे किसान भाइयों। तो किसान भाई वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना। इसमें आपको ना एडीडीसी टाइप की 3 पॉइंट लिंकेज है वो देखने को मिल जाती है। बाकी भाई कंपनी के है ना टोल फ्री नंबर आ रहे हैं स्क्रीन में, आप उन पे जो कॉल करके इसकी फुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने है ना कंपनी की वेबसाइट का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे जाके है जो आप इस ट्रैक्टर की कीमत वगैरह टोटल है वो जान सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल भाई, शेयर कर देना दबके वीडियो को।